दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर को इकट्ठा किया है और जो भी इस व्यू में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 million जीतेगा। सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 billion और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये सब $1 million के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रूल्स आसान है, ठीक है, कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो, तो $1 million हार जाओगे। इतने सावधान रहना, जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। जो मैंने स्क्विड गेम देखा है वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यार ज्यादा देर दोस्त नहीं रहता, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे हमारे हैं, नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। असली मेरे पास नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रकम के बारे में सोच। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं, हम बस मजाक कर रहे हैं। वो पैसों के पीछे छुप रहा है, मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सबने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब से वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग कितने सारे साइबर ट्रक यहाँ बता रहे हैं। करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, प्लीज, मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे सब्सक्राइबर। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? ये काफी निराशाजनक था। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो, प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? बधाई हो और शॉट बाकी। थैंक यू। यस सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा, इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। इसे कहते हैं नोटों की बारी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है, उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। मुझे चेक करना है क्या उसने छुआ। चार यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा। बचाओ, बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडिट सॉकी मैन की तरह भाग रही हूँ, क्या मैं ये जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं, मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए $1 million असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श के पैसे साफ कर रहा है, पता नहीं मैं आपको इसके बारे में क्या। जब फ्लोर से सारा पैसा साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि
तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं पांच के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब पांच पांच के ग्रुप्स में बच जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगली चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हमें पांच के ग्रुप में स्प्लिट होना होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम पांच लोगों की टीम है। हम कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता दी। क्या तुम पांच एक ग्रुप में हो? बिल्कुल है। और कैप्टन कौन बनेगा? तुम लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं चुन लिया। मार्केट पर भरोसा कैसे ना करे? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद एक रिव्यू है। तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज। ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोचते हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा। ओह नो, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है चार कुकी। तय लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओ माय गॉड, कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे। और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। नीको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। तुम स्केच को कौन सा दोगे? लेकिन कैप्टन को अभी भी आठ और अम्ब्रेला बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं कर लूंगा। अम्ब्रेला मुझे दीजिए, मैंने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लो। लेक्सी को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला, मैं ये कर सकता हूँ। कितनी बुरी है सच में। आई एम सो सॉरी ब्रो। ओके मैन, मुझे तुम पर विश्वास है। yes, दिखा दो सबको, दिखा सकती हो। सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की परी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम पूरा सही है। मुझे मिला, इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीजी, 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और कोकी मेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। क्योंकि अम्ब्रेला ने कोकी मेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच, संभल कर निकलना। ओके, अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिको ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो, मुझे अपने लोगैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम कर सकते हो। शाबाश। यस 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 यस। मेरा पहला शहीद। सुनो तो बाद में मल के तो मल सब लोग यही हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल आवाज है। ऐसे ऐसे। अरे नहीं, अरे नहीं। ओ ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखे बाज हो। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तुमने सबसे कमजोर हाथ वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। माफ करना दो। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोल्बी और रग, माइकल रीव, फिरे इतना के ब्रॉसी, थैंक यू थैंक लेक्सी और मैच पैट। असली कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए और ये कोई चोरी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। हमने जेसलैट, पोकीमेन और मार्थो को भी खो दिया और अंत में ऑफ कोर्स कैच। आने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? थैंक यू, लव यू ऑल। 11 लोग एलिमिनेट हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कंग्रेट। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी, यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झोंक छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ। अगले चैलेंज की तैयारी करते वक्त मैंने बचे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम कर सकते हैं, उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो। बॉटल कैप यूज कर सकते हैं। नहीं समझे, वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप। एक सेकंड, ये देखो ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक टेप से बांध लो। सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था तो हम साथ रहे। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। मुझे लग रहा है कि वो टीममेट बनेंगे, लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या बस पकड़ने की जरूरत है? ओके सॉरी। ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो, उसे यहाँ लाओ आराम से। तुम जिसके साथ भी बंधे हो हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना गलत है। नहीं, 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 तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा। सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वह सीढ़ियों से भी नहीं पहुंचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे जे, तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी, अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। ये तो गलत है। एक घंटा जेंगा खेलने के बाद ये मिला? क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। वो डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा, यकीन ही नहीं होता। तुम सब वोट कर सकते हो, क्या लगता है जेजे का इसे बाहर ले जाना पैर था या नहीं? जिसे लगता है ये पैर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये पैर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल गलत। नो फेयर मैन, नो फेयर। जनता ने फैसला कर लिया, ये बाहर और एजे अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे हैं। वो फेयर लगा। हाँ यही तो गेम है, मैं तुम्हें ऐसे उठाकर ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। गेम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन हार देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो, चलो शुरू करें। ओके। गेम तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कम्पिटिटिव होने लगी। तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओ ये क्या? नीको के पास एक कमाल का वीडियो आइडिया है, अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। ये चैलेंज जिस तरह से काम करता है उसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। ओह माय गॉड, सच्चे दोस्तों के लिए हम यूपी वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना चाहिए। मैंने तो क्या किया, एक बात बताऊँ, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे, वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। अगर उनके आसपास खेलो तो वो गिर जाएंगे और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 million खो रहे थे। मजा आ गया, मैं हार गया, जेंगा में हार गया। हाँ रुको रुको। और एक के बाद एक लगातार एलिमिनेशन के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे।
कोर्ट पर लगा। मैं ये एक मिलियन जीतूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। कोई बात नहीं। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई, हम डी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है। तो भाई रिस्पेक्ट दो, क्या बात है, 2014 से देख रहा हूं मैं तो बहुत खुश हूँ। काश तुम जीत जाते, जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पेटिटिव गेम साबित हुआ। जीतो स्पीड को, इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। तुम कह सकते हो, कम ऑन। नहीं, चैलेंज 3 ऑफिशियली खत्म हुआ और अब चलो बिस्तर लेकर आओ। ओके, सबके पास बेड्स है, हम 4th चैलेंज के लिए कल सुबह मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए और सच कहूँ तो ये काफी क्रेजी है। ये सभी यूट्यूबर्स वाकई में $1 million कैश के पास सो रहे हैं और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक ये पैसे आपको मिले।